हम फ्रेटबोर्ड पे कुछ डॉट्स देख सकते हैं जो हमारे फ्रेटबोर्ड पर बने हुए हैं। ये डॉट्स क्या इंडिकेट करते हैं? ये डॉट्स ये इंडिकेट करते हैं कि हमें डायरेक्शन देते हैं कि ये कौन सा फ्रेट है। जनरली पहला डॉट हमेशा थर्ड फ्रेट पर होता है। दिस इज फर्स्ट फ्रेट, दिस इज सेकेंड फ्रेट, दिस इज थर्ड फ्रेट। तो पहला डॉट जनरली हमेशा थर्ड फ्रेट पर होता है, सेकेंड डॉट इज ऑलवेज ऑन द फिफ्थ फ्रेट, दिस इज फिफ्थ, 1, 2, 3, 4 and 5। इसी तरह से ऑल्टरनेटिवली थर्ड फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, सेवेंथ फ्रेट, नाइन्थ फ्रेट, एंड देन आप देख सकते हो यहां पे दो डॉट बने हुए हैं। दो डॉट इसलिए हैं क्योंकि ये ट्वेल्थ फ्रेट है। ट्वेल्थ फ्रेट हमारे म्यूजिक में और गिटार में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है। हमेशा दो डॉट्स जब हैं फ्रेटबोर्ड पर तो वो ट्वेल्थ फ्रेट है। म्यूजिक में 7 नेचुरल नोट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। सी इज अ रिपीटेशन। रिपीटेशन को हम दोबारा नहीं गिनते, इसलिए हमारे म्यूजिक में नेचुरल नोट सिर्फ 7 होते हैं। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज रिपीटेशन। हम रिपीटेड नोट को नहीं गिनते। म्यूजिक में 7 नोट्स हैं। 8th नोट इज अ रिपीटेशन। 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, दिस इज सी। सी, देन नेक्स्ट स्ट्रिंग ओपन, 3rd स्ट्रिंग ओपन, ये वाली स्ट्रिंग, 3rd स्ट्रिंग, सी, डी, ई, सेकेंड फ्रेट, सी, डी, ई, एफ, थर्ड फ्रेट पे एफ, फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग का ओपन जी, फिर से फिफ्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट सी, देन नेक्स्ट स्ट्रिंग ओपन डी, सेकेंड फ्रेट पे ई, थर्ड फ्रेट पे एफ, देन नेक्स्ट स्ट्रिंग की ओपन जी, देन सेकेंड फ्रेट पे ए, देन थर्ड फ्रेट पे बी, फोर्थ फ्रेट पे बी, देन अगली स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट इज सी अगेन।